ये मेरी आज मेहमान पहुंच रही है, तो हमारे घर पहला ज़िंदगी में ऐसा मेहमान आ रहा है जो पाकिस्तानी है और वो वेजिटेरियन है, गोश्त बिल्कुल नहीं खाती। तो ये मैंने मूंग की दाल बना रही हूँ और आलू गोभी मैंने काट ली है, प्याज काट ली है और अदरक लहसुन की पेस्ट बनाने लगी हूँ। सारा घर साफ कर लिया है, सब नीट हो गया बिल्कुल। ये उनको बेडरूम देना है, ये भी सारा क्लीन हो गया, सब साफ हो गया। ये गोभी आलू भी बन गई है और दाल भी बन गई, बस अब दाल को तड़का देना है। रायता बन गया, आटा गूंथ गया, रोटी बनानी है। ये मैंने इमली की चटनी बनानी है रमज़ान से पहले पहले। ये मैंने सुबह से इमली भिगोई हुई थी, अब इसको मैं अच्छी तरह हाथ से मसल के इसमें और पानी डाल के तो इसको पकने के लिए रख दूंगी। ये मैंने जो इमली भिगोई हुई थी उसको कल मैंने पका लिया, सिर्फ ज़ीरा नमक और थोड़ा सा मिर्च डाल के। तो अब इसको मैं छान रही हूँ, इसको इतनी देर पकाना है जितने कि ये गाढ़ा हो जाए। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी चीनी, लेकिन चीनी मैं डालूंगी बाद में, अभी जब दोबारा इसे मैं पकाऊंगी। अब इसको अच्छी तरह हमने निचोड़ लेना है। इसको मैंने चूल्हे पे पकने के लिए दोबारा रख दिया और इसमें ये थोड़ा सा सिरका जाएगा, आपके पास जो भी सिरका है, एप्पल का है या दूसरा वो डाल लें। ये इतना सा है, एक मिनट बेटा दिखाओ, ज़्यादा नहीं है ये, इतना थोड़ा सा है। ये सारा सिरका हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद चीनी, चीनी जो मर्ज़ी आप डाल लें, मेरे पास ब्राउन होती है तो मैं ब्राउन ही डालूंगी। काफ़ी ये आप 2 चम्मच, 2.5 चम्मच डाल दो, अंदाजे से ही मैं बनाती हूँ, मैंने कभी इतना नाप तोल के नहीं किया, बस 2.5 चम्मच। और काली मिर्चें पिसी हुई, काला नमक भी डालते हैं लेकिन मेरे पास ख़त्म हुआ है इसलिए वो मैं नहीं डाल रही। अगर आपके पास है तो आप 1 टीस्पून जो है वो डाल दें उसमें। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर बस। अगर आप लोग ज़्यादा तेज़ चटनी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिर्चें डाल दें। और ये वैसे काफ़ी गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी चूँकि हमने चीनी डाली है इसमें तो अब फिर पतला हो जाएगा, फिर थोड़ा गाढ़ा होगा, तो इसको कम अज़ कम मैं 20 मिनट पकाऊँगी, तो फिर ये गाढ़ी हो जाएगी और मज़ेदार सी चटनी रमज़ान के लिए तैयार हो जाएगी, समोसों के लिए, दही बोलों के लिए, आलू चनों की चाट के लिए। और मैं आलू बुखारा नहीं डालती, मैं खाली इमली की बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ये पसंद है। तो इमली आलू बुखारा भी अगर आप मिक्स बनाना चाहते हैं वो दोनों मिक्स बना सकते हैं। ये पक पक के तो गाढ़ा हो गया, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी और डाली थी इसलिए मुझे खटास ज़्यादा लग रही थी, तो 2 चम्मच चीनी के मैंने और डाल दिए थे। तो बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी, इसलिए कि ठंडा होकर भी इसने और गाढ़ा होना, तो ये मेरी इमली की चटनी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। ये जार मैंने खाली किया है, इसमें मैं अभी ये चटनी डाल दूंगी इमली की और एंड तक नहीं डालूंगी। आपको पता है जितना मर्ज़ी इमली को छान लें, जो मर्ज़ी कर लें, तो नीचे थोड़ी सी मिट्टी वगैरह रह जाती है, तो मैं आखिर का जो है वो नहीं डालूंगी, बस ये मैं अब आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान की तैयारी भी कह सकते हैं करना शुरू करने लगी हूँ। ये मैं 2 बटर लेके आई थी कल, तो अब इनका मैं घी बनने के लिए रख दूँगी हल्की आग पे। 250 ग्राम के हैं ये दोनों, 500 ग्राम के, इनको हल्की आग पे रख दूँगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये इसका बन जाएगा। देसी घी रोज़ों में काम आता है इसलिए कि पराठे वगैरह तो खाए नहीं जाते, तो सुबह जो रोटी बनाते हैं तो उसको हल्का सा घी लगा के साथ खा लो तो चलो मज़ा भी आता है और सही भी रहता है। इसको मैं हल्की आग पे बस पकता रहने दूँगी, 2 नंबर पे मैंने रख दिया। और ये मेरी बेटी कॉलेज से आई है हमेशा की तरह, जैसे अब आपको पता ही होगा कि उसको फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है, वो बहाने ढूंढती है कि कोई चीज़ ना मिले खाने के लिए, तो फिर मुझे कह देती है मामा चलें फिर फ्रेंच टोस्ट ही बना दें, तो ये मैं उसको बना के दे रही हूँ।